नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी से, और ये एक शॉर्ट नोट वाला वीडियो, क्योंकि शॉर्ट नोट वाला वीडियो मैं इसलिए लाता हूँ, मुझे ज़्यादा लंबे वीडियो पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम पास करने वाले वीडियो पसंद नहीं है। मैं एकदम टू दी पॉइंट बताता हूँ, मैं एकदम खटाक वाला बताता हूँ। आप दवाई लीजिए, दवाई खाइए, एक हफ्ते 10 दिन में मुझे रिजल्ट बताइए कैसा लग रहा है। फास्टेस्ट होम्योपैथी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया। आपको न्यूट्रिशन या पोषक आहार अच्छे रखना है, बस फिर देखिए आपका लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, फिर देखिए आपको दवाइयाँ कैसे काम नहीं करती। आज जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है बालों का झड़ना। यदि बाल झड़ रहे हैं, बाल जल्दी टूट जाते हैं, बाल कमजोर हो गए हैं, जड़ से कमजोर हो गए हैं, और बाल सिर में टिक ही नहीं रहे हैं, गुच्छे गुच्छों में आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ यहाँ बता रहा हूँ। इन रेगुलर दवाइयों के उपयोग से आप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कह सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने हेयर्स के लिए। तो ये जब आपके बालों को मिलने लगेगा तो आपकी बॉडी, आपके हेयर्स बहुत अच्छे से हो जाए। बॉडी जब अच्छे से रिएक्ट करेगी, स्किन की जो ये वाली जो परत है, स्काल्प ये है, ये भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करेगी, तो आपकी का जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं दवाइयाँ जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा समझिएगा, तो इस तरह से समझिए कि यदि आपके बाल रूट से टूट रहे हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। यदि आपके बाल बीच से टूट रहे हैं और ग्रे हो रहे हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, थोड़ा सा इसको समझना। यदि आपके बाल एकदम जड़ों से निकलते हैं और उसमें वाइट वाइट सा पोर्शन नीचे दिखता है, तो वो जो है वो एयर पैपिला के साथ बाहर निकल रहा है, मतलब हेयर पूरे आपने साजो सामान के साथ बाहर निकल रहा है, समझ लीजिए बहुत तकलीफदेह मुद्दा है। एसिड फ्लो 200, ये मेडिसिन हफ्ते में एक बार आपको यूज करना है, 4 बजे सुबह और 4 बजे शाम, उस दिन आपको दो खुराक लेनी है। ऐसा 3-4 हफ्ते आप करिए, आपके बाल जो झड़ना है वो बंद जाएंगे। इसके साथ में जो मेडिसिन आपको लेनी है वो है लाइकोपोडियम 200, 4 बजे सुबह 4 बजे शाम। स्काल्पटोन टेबलेट आती है 2 बजे सुबह 2 बजे शाम, इसको यूज करिए, मुंह में रख के चूस लेना है स्काल्पटोन टेबलेट को। ध्यान रखिए, नाम बहुत ध्यान रखिएगा, बार बार रिमाइंड करके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरी बात, आपको मैं कुछ हेयर के लिए ऑयल बनाने का एक नुस्खा बता रहा हूँ। एक है आर्निका मोंटाना मदर टिंचर और दूसरा एक जैगोरिंडी मदर टिंचर। आर्निका मोंटाना, जैगोरिंडी मतलब पाइलोकार्पस, इसको ले लीजिए आप 10-10 ml, 10 ml आर्निका, 10 ml जैगोरिंडी, इसको मिला दीजिए कम से कम 50 ml ऑयल के साथ, और इस ऑयल को आपको हफ्ते में 2 बार मसाज करनी है अच्छे से। हफ्ते में 2 बार या 3 बार मसाज कीजिए, और साथ में आर्निका और जैगोरिंडी का, आर्निका जैगोरिंडी का कैलेंडुला और ब्राह्मी, ये 4 आइटम का एक ऑयल ऑलरेडी शैम्पू ऑलरेडी आता है मार्केट में, तो आप वो शैम्पू जब ये मसाज करने के बाद यूज़ करिए, और ऑयल भी इसका अवेलेबल है। यदि रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं तो रेगुलर ऑयल यूज़ करिए। मसाज के लिए जो मैंने तरीका बताया, आर्निका और जैगोरिंडी आप 10-10 ml लीजिए और 50 ml ऑयल के साथ मिक्स करके हफ्ते में 2 बार करिए। तो इस तरह से ये आपका एक पैकेज हो गया। और एक है टैबलेट फोली प्लस, फोली प्लस टैबलेट आपको लेनी है 4 बजे सुबह 4 बजे शाम। जब ये दवाई को ले लेंगे आप तो आपके हेयर जो हैं वो रूट से झड़ना बंद जाएंगे, टूटना बंद जाएंगे, हेयर की कमजोरी बंद जाएगी, और इस तरह से इनका एक सिस्टम बन जाएगा। अगली बात जो है कि यदि आपका खान पान अच्छा नहीं है तो खान पान अच्छा कर लें, और एक टैबलेट आती है जो आपके कैल्शियम की कमी जो है उसको पूरा करेगी, ये साथ में आप ले लेंगे तो आप 1 महीने आप इसको करके देखिए, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। कैल्सी एड टैबलेट आती है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, ये पैक्सन कंपनी की है। आप इस टैबलेट को यूज़ करेंगे ना तो आपका कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़िया हो जाएगा और बालों को मजबूती प्रदान करेगा, तो ये आप यूज़ करिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों झड़ना बन जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, सब तक ये नुस्खे, छोटी छोटी बातें बड़े काम की बातें हैं, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी जगह पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।